नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के बुलंदशहर से। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर अंतुल तेवतिया ने अमेरिका और डेनमार्क के वाटर प्यूरिफायर सिस्टम का बुलंदशहर के गांव खंगावली में किया उद्घाटन। आपकी सोच बदल देगा यूपी का यह तालाब। यूपी का पहला प्यूरिफायर तालाब बुलंदशहर में। यूपी का तालाब बना नजीर। प्यूरिफिकेशन के बाद पहुंच रहा तालाब में स्वच्छ पानी। जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया एक नए युग का आगाज। गांव के 1000 घरों के गंदे पानी को प्यूरिफाई करने के बाद तालाब में भेजा जा रहा स्वच्छ पानी। अमेरिका और डेनमार्क के प्यूरिफाई सिस्टम से गांव के गंदे पानी को प्योर करने के साथ साथ पैदा किया जा रहा जैविक खाद। जिला पंचायत ने बुलंदशहर के गांव खगावली में तालाब पर बनाया 2.40 किलो लीटर क्षमता का प्यूरिफायर सिस्टम। बुलंदशहर के खगावली गांव में तालाब पर लगा है प्रदेश का पहला प्यूरिफायर सिस्टम। देखिए, हमारी सरकार के माध्यम से जो सरोवर है उनको पुनर्जीवित करने का कार्य किया जा रहा है, उसी कड़ी में हमने आज खंगावली गांव में एक वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट लगाया है, जिसकी पॉन्ड की जो कैपेसिटी है वो 2,40,000 लीटर्स की कैपेसिटी है और जो ग्राउंड वाटर का जो टेबल है वो उससे ऊपर आएगा और आई थिंक 2,00,000 लीटर के अराउंड पर डे जो पानी है वो पर्क्यूलेट होकर नीचे जाएगा, जिससे इरीगेशन में और जो आसपास के जो घर हैं उन तक स्वच्छ पानी और अच्छा पानी पहुँचेगा और यहाँ पर जो आय के साधन हैं वो बढ़ेंगे, क्योंकि अगर पानी स्वच्छ होगा तो हम यहाँ पे मछली पालन का कार्य कर सकते हैं। फिर जो सॉलिड वेस्ट जो इनमें से निकल कर आएगा और जो इकट्ठा होगा उससे हम मैन्योर बना सकते हैं। जैविक खाद आज हम देखते हैं कि कितना महंगा मिलता है, किसानों को मिलता ही नहीं है, तो ये उसका भी एक साधन बनेगा। तो इस तरह की जो ये पहल है जो जिला पंचायत बुलंदशहर के माध्यम से हुई है, मुझे पूरा भरोसा है ये प्रोजेक्ट भविष्य में एक आदर्श प्रोजेक्ट के रूप में साबित होगा। अगर ये यहाँ पे बहुत अच्छा कार्य किया तो पूरे जनपद में लागू किया, देश में ये जिला पंचायत में पहला है और मेरे ख्याल से और भी किसी विभाग ने इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाया है, तो ये पहला प्रोजेक्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं बुलंदशहर से हापुड़ हलचल पर। बुलंदशहर से जावेद खान की रिपोर्ट।